हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू विंग्स ऑफ योर लाइफ। और आज की जो हमारी रेसिपी है दैट इज मंगोलियन चिकन, जिसके लिए हम यूज कर रहे हैं ऑफ कोर्स चिकन। उसका हमने यूज कर रहे हैं चिकन ब्रेस्ट, जिसको हम लोगों ने बहुत सी थिनली स्लाइस्ड किया है। यहाँ पे मेरे हमारे पास है दो चिकन ब्रेस्ट जिसको थिनली स्लाइस्ड है, स्प्रिंग ऑनियंस जिसको हमने क्यूब्स में कट किया है, ऑयल, गार्लिक, कॉर्नफ्लावर, सोया सॉस, ब्राउन शुगर, छुप कर बैठा है हमारा सिसमे सीड्स जो हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, एंड हमारा वेयर इट इज गॉन सॉल्ट। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी नाउ। तो सबसे पहले मैंने कॉर्नफ्लावर जो था, दो बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड किया है, और ये बहुत थिन स्लाइस है इसलिए मैं हाथों की मदद से इसको अच्छे से इस पर कोट कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर हमारा, और थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है पड़ेगा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा और डालती हूँ। सो ये हमारे 3 चम्मच हो जाएंगे। तो ये जो हमारा चिकन है आप देख सकते हो पूरे अच्छे तरीके से कॉर्नफ्लावर से इसको कोट करना है, देख सकते हो मैंने इतना आप ऐड करोगे कॉर्नफ्लावर कि हमारा चिकन पूरी अच्छी तरीके से उसमें कोट हो जाए। जैसे ये हमारा चिकन पूरा हम वेल कोट कर रहे हैं, और हल्के हाथों से करना है क्योंकि ऑलरेडी हमारा थिन स्लाइस्ड है तो वो टूट सकता है। उसके बाद एक पैन में हमने ऑयल गर्म करने के लिए डाला है। अब जो हमने चिकन यहाँ पे कॉर्नफ्लावर लगा के रखा था उसको एक एक करके फ्राई करेंगे। सी, ताकि उस पर एक क्रिस्पी फन आ जाए। ये हमारा क्रिस्पीनेस लाने के लिए हमने कॉर्नफ्लावर को ऐड किया था, और हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, और इसे ज़्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी ये थिन स्लाइस है जैसे आप देख सकते हो। हम इसे फ्लिप कर रहे हैं, तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैंने पहले भी बताया, ताकि हमारा जूसेस जो है चिकन में इंटेक रहे। तो यहाँ पे हमें चिकन हमारा निकाल रहे हैं, नाउ हियर गो द सेकेंड बैच ऑफ आवर चिकन। सो हियर कम्स आवर सेकेंड बैच। अब हम सेम ऑयल में जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था, अब उसी ऑयल में हम क्या करते हैं कि हम उसमें अब गार्लिक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम गार्लिक ऐड कर रहे हैं, इसको हम अच्छे से इसका जब तक कच्चापन ना चला जाए तब तक इसको फ्राई करेंगे। तो हमारा यहाँ पे गार्लिक पकना स्टार्ट हो गया, दैट्स अ साइन इट्स गेटिंग गोल्डन ब्राउन। हल्का सा हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, अब हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड कर रहे हैं। आप शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, शुगर जो है वो एक फ्लेवर को एनहांस करने में हेल्प करता है। हमने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच शुगर ऐड किया है, और एक अच्छा ग्लो देता है हमारे चिकन को भी, वो ब्राउन शुगर हमने यूज किया है। आप जैसे देख सकते हो, अब साथ में हम यहाँ पे
डार्क सोया सॉस डाल रहे हैं, लगभग 2 बड़े चम्मच। अब हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। साथ में हमने अपना चिकन भी ऐड कर दिया है और अच्छे से इसको के साथ कोट कर देंगे। एज यू कैन सी हल्का सा वाटर लगा रहे हैं ताकि वो अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ हमने अच्छे से चिकन को कोट कर लिया है और हमने जो यहाँ पे ओनियन रखे थे वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ के हमारे सबसे पहले रेड ऑनियन और ये सिसमे सीड्स है हमारा। आप देख सकते हो इसे कितना सुंदर लग रहा है ये। फिर से हम इसे वेल अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे गाइस सो यम्मी। और हियर गोज आवर स्प्रिंग ऑनियंस। और सबको अच्छे से मिक्स करके सो इस चिकन बनाने के सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं हमारे। सबसे पहले कॉर्नफ्लावर लगा के, सिर्फ कॉर्नफ्लावर, नो सॉल्ट, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे एंड सेकेंड में उसका सॉस बना के चिकन को हम कोट कर देंगे। दैट्स इट, इट्स सो इजी रेसिपी। हम इसमें सॉल्ट हमने नहीं डाला है क्योंकि डार्क सोया सॉस जो होता है हमारा सोया सॉस में सॉल्ट ऑलरेडी होता है, जिसकी वजह से हम सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, अगर आपको सॉल्ट की कमी लगे तो यू कैन ऐड एज पर योर टेस्ट। हमें नहीं लगा सो वी आर नॉट एडिंग इट। नो इट्स अप टू योर चॉइस कि अगर आपको लगे यू कैन गो अहेड एंड ऐड इट। अब हम इसमें हल्का सा ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। That's it. Our Mongolian chicken is ready, guys. Now it's time to serve it. Let me put it on my plate now. So guys, ये है रही हमारी serving bowl में हमारी Mongolian chicken. So please guys, do try at home. ये बहुत ही एक और easy recipe है और हमें ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी. Looking forward for your feedback. Please do like, comment and subscribe to our channel. Have a good day ahead.